नमस्कार। और आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में 10 की 10 सीटें जीतकर इतिहास रचा। वहीं लोकसभा चुनावों में 90 विधानसभा में से 79 विधानसभा चुनावों में जीत हासिल की। आपको बता दें कि अंबाला से रतनलाल कटारिया ने कुमारी शैलजा को हरा दिया। भिवानी से चौधरी धर्मवीर सिंह ने श्रुति चौधरी को हराया। फरीदाबाद से कृष्णपाल गुज्जर ने अवतार सिंह भड़ाना को हराया। गुड़गावा में राविंद्रजीत सिंह ने कैप्टन अजय सिंह यादव को हराया। वहीं कुशेत्र सीट से नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस के निर्मल सिंह को हराया। करनाल से भाजपा के संजय भाटिया ने कांग्रेस के कुलदीप शर्मा को हराया। हिसार से बृजेंद्र सिंह ने दुष्यंत चौटाला को हराया। रोहतक से डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा को मात्र 7,503 मतों से हराया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सोनीपत में रमेश कौशिक से चुनाव हार गए। इसी प्रकार हरियाणा की सभी सीटों पर भाजपा जीती। इन चुनावों के दौरान रोहतक से कांग्रेस पार्टी 5 विधानसभा क्षेत्रों में विजयी हुई, वहीं 4 से उसे हार का सामना करना पड़ा। विधानसभा की 3 सीटों पर कैप्टन अजय यादव ने जीत हासिल की। यह सभी सीटें मेवात जिले की थी। 2 विधानसभा सीटों पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जीत हासिल करने में सफल रहे। वहीं दुष्यंत चौटाला हिसार की केवल 1 सीट पर विजयी हुए। इस प्रकार विपक्ष ने जहां 11 विधानसभा सीटों पर लोकसभा चुनावों में जीत हासिल की, वहीं भाजपा ने 79 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की। और इसी के साथ देखते रहिए पल पल की एक खास रिपोर्ट।